हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, गांव जाने से हमारे सारे प्लांट खराब हो गए थे, काफी कुछ प्लांट सूख गए थे। अब हमने आके इनमें पानी वानी दिया और इनकी सफाई कर रहे हैं। 3 दिन से सफाइयां चल रही हैं और सफाई करने के बाद में हमने इनको पानी वगैरह सब दे दिया और दूसरे दिन इसमें बारिश पड़ गई 1 घंटे के लिए। अब हमारे सारे प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने लगे हैं और ये देखिए सारी हरियाली हमारे गार्डन में दोबारा से आ गई है। और जितने भी सूखे प्लांट थे और सूखे लीफ थे वो सब हमने निकाल दिया है। ये देखिए चंपा हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म से चंपा खिल रही है। ये रेड कलर की चंपा है और गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चंपा में फ्लावरिंग आ रही है। चंपा को तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ये तो सूखे मौसम में भी अच्छी फ्लावरिंग करती रहती है। और ये हमारा मल्टी कलर का चंपा का प्लांट है, इसमें 7-8 ग्राफ्ट करी हुई है मैंने। ये देखिए ये ग्राफ्ट है सारी, ये सारी ग्राफ्ट है इसके अंदर, ये बेशुमार ग्राफ्ट हैं इसके अंदर और इसमें बहुत कलर हमने मिक्स कर रखे हैं। तो इस तरीके से हमारी चंपा के प्लांट अच्छे खिलने हैं। ये एक जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ये येलो रंग का है और एक ये पीछे वर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए ये भी शायद सुरख रेड में है। और कुछ प्लांट जो हैं ये देखिए पिंक में वर्ड्स आ रहे हैं और एक ये है पिंक में। ये इस तरीके से कितनी अच्छी ग्रो चंपा का प्लांट कर रहा है, उसमें फ्लावरिंग भी बेशुमार हो रही है। ये देखिए अब उसके बाद में सारा जितना भी गार्डन हमारा है सब सफाई करने के बाद में बहुत ही सुंदर होने जा रहा है और कुछ ही दिन में इसमें इतनी ज़्यादा हरियाली हो जाएगी कि बस देखते ही बनेगा हमारा गार्डन। और ये जितना भी प्लांट था हमारा सब पानी देते ही सब कर लिया गया है। और ये जामुन का प्लांट जो हमारा, ये देखिए आप इस, तो इसके अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है ये जामुन की। और इसमें हो सकता है कि इसमें फल में कन्वर्ट हो जाए, तो अभी तो ये पहली बार इसमें फूल आया है। अब देखते हैं कि इसका फल फूल जो है वो झड़ता नहीं है और ये फ्रूट में बदलता है कि नहीं बदलता है। लेकिन हम इसकी कोशिश करेंगे कि ये हमारा जामुन इसमें लगने लगे। तो साथियों इस तरीके से मैंने सारे प्लांट अपने सही कर लिए हैं दोबारा से और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये देखिए आप चीकू का प्लांट जो है वो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये मैंने प्रून कर दिया था और प्रूनिंग के बाद में ये जो कलियाया है इसमें नया फुटाव आया है तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। और साथ में इसमें वर्ड्स भी आए हैं तो चीकू भी इसमें फौरन लगने लगेंगे। ये नींबू का प्लांट पूरा सूख गया था तो इसमें देखिए नया फुटाव आ गया सारा ये, और नया फुटाव भी बहुत ही अच्छी तेज़ी से आया है और साथ में इसमें थोड़ी बहुत फ्लोरिंग भी आई है। तो इस तरीके से हमने अपने गार्डन को दोबारा से साथियों सही कर लिया है। और बाकी के ये अडेनियम जो हमने उठाकर यहाँ से और अंदर कुछ रख दिए हैं, जो ग्राफ्टेड अडेनियम थे, जो हमारे बहुत अच्छे अडेनियम थे, उनको हमने अंदर रख दिया है शेड में ताकि उनके जो लीव्स वगैरह हैं वो सही हो जाएं और ग्रोथ अच्छी करने लगे। उनके कोड़े सुखड़ गए थे और लीव्स उनके मुड़ने लगे थे, लेकिन अब पानी पड़ते ही ये देखिए नए लीव्स निकलने लगे हैं और अच्छी ग्रोथ करने लगा है हमारा अडेनियम। ये सारे अडेनियम बिल्कुल दोबारा से सही हो गए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमारे अडेनियम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आई हो, लेकिन पानी पड़ते ही ये बिल्कुल सही हो गए हैं। अब जो हमने अंदर रखे हैं उनकी ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उसमें फ्लावरिंग भी दोबारा से शुरू हो जाएगी। ये देखिए गुलाबी रंग का हमारा कितना अच्छा ये रोजी ब्राइटी का प्लांट है और ये क्रिसमम शायद है लेकिन ये ग्राफ्टेड है और बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें आते हैं। और इसकी एक ही ब्रांच में ये हमने ग्राफ्ट की थी और ये 3 ब्रांच जो हैं वो देसी हैं, यानी जो देसी ब्राइटी कहलाती है सिंगल पैटर्न में। इसमें एक सीड पॉट भी आ गया है और ये हमारे बेबी एडेनियम में भी एक सीड पॉट आ गया है, ये देखिए। लेकिन इसकी ऊपर का एक हिस्सा टूट गया है और ये नीचे का एक ही इसमें सीड पॉट आया हुआ है, ये देखिए। और हमने बाकी के जो एडेनियम थे वो सारे शेड में रख दिए हैं। तो ये देखिए हमने सारे एडेनियम अपने यहाँ रखे हैं,
बहुत ही अच्छे अच्छे कलर हैं ये। ये छोटे जितने बेबी एडेनियम थे उनको अब धूप में नहीं हम रखेंगे, नहीं तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। और यहाँ रखने से अब ये देखिए इसके अंदर ये नए लीफ्स निकलने लगे हैं। छांव में रखने का यही फायदा है और यहाँ फ्लावरिंग भी अच्छी होती रहेगी, क्योंकि जो गर्मी है वो यहाँ से पूरी मिलती है प्लांट को, और लेकिन सॉइल इसकी नहीं जल्दी सूखती है। हमने इसमें कल शाम को पानी दिया था और वो पानी देखिए अभी तक बिल्कुल नहीं सूखा है। अगर ये बाहर रखे होते तो इनका पानी सूख गया होता और ये दोबारा से पानी मांगने लगते हैं, लेकिन यहाँ इसको रखने के में कम से कम 3-4 दिन में पानी इनको देना पड़ेगा। और कुछ एडेनियम देखिए यहाँ रखे हुए हैं, तो ये देखिए सब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। ये सब पत्तों के नए पत्ते लीव्स निकलने लगे हैं, इसमें भी सीड पॉट आ गए हैं, सब नए लीव्स निकलने लगे हैं। ये देखिए जब नए लीव्स निकलने लगे समझ लो अब एडेनियम आपका अच्छी ग्रोथ करने लगा है। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को, ये देखिए ममटी है हमारी, ये दोनों तरफ इसकी क्रॉसिंग है, तो यहाँ हम अपने प्लांट को रख देते हैं एडेनियम के, तो यहाँ इनको बिल्कुल धूप नहीं लगती है और हमारे कॉर्डेस के ऊपर इनका गर्मी का बिल्कुल असर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को सेव कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा की क्रॉसिंग हो। ये देखिए फ्लावरिंग कितना बेहतरीन कलर है इसका, मजंटा कलर, मजंटा कलर के ये फ्लावरिंग है, लेकिन धूप में रखने से फ्लावर छोटा हो गया इसका। तो इस तरीके से हम साथियों अपने एडेनियम को अब 2 महीने तक अभी सेफ रखेंगे। जब बरसातें शुरू होंगी तब जाके इनको हम धूप के अंदर रखेंगे और बारिश के अंदर रखेंगे, ताकि ये अच्छी ग्रोथ करें और इनके कॉटेज जो हैं वो जल्द से जल्द मोटे हो जाएं। तो साथियों अब एक काम और हमने करना है इसमें, कि जब ये 2-4 दिन और देखते हैं उसके बाद में हम इसमें स्प्रे करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इस पर एक्सम सोल्ट का स्प्रे करेंगे, और एक्सम सोल्ट के करीब 8-10 दिन के बाद हम इसमें NPK 90-90-90 का स्प्रे करेंगे। उसके बाद में हम 8-10 दिन के बाद इसमें ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करेंगे। तो ये यहीं छांव में रखे रखे हम इस तरीके से इसमें फर्टिलाइजर देंगे, ताकि मेरा यहीं शेड के अंदर ही हमारे एडेनियम जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगे और इसमें यहीं की यहीं फ्लावरिंग आने लगे। तो हमने सिर्फ 2 महीने इनकी केयर करनी है और इन 2 महीनों में हमें तेज़ गर्मी से इनको बचाना है, ताकि हमारे कॉटेज बर्न न हो, और ना ही ये कॉटेज जब बर्न हो जाते हैं तो एडेनियम जो है वो उसके मरने के चांस बन जाते हैं। तो ये वाला जो एडेनियम है ये काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन अब इसमें देखिए नई ग्रोथ शुरू हो गई है। ये देखिए ये काफ़ी ख़राब हो गया था, इसके ये देखिए इसकी जो ब्रांच थी ये भी शिलिंग होने लगी थी और क्रोडेस भी इसका काफ़ी शिलिंग हो गया था, लेकिन अब इसमें ये देखिए नए लीव्स निकलने लगे हैं। अब ये बहुत जल्दी ही हमारा प्लांट जो है वो सही हो जाएगा। इधर मैं 2-4 दिन के बाद जब इस पर हम स्प्रे करेंगे फर्टिलाइजर का, तो एकदम से ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगेगा और कॉर्डेस भी यहाँ रह के शेड के अंदर रह के कॉर्डेस भी मोटे होते हैं, अगर एडेनियम की अच्छी तरीके से केयर कर ली जाए। और यहाँ हम शेड में रख के हम और फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, यानी इसके बोन मील वगैरह हम भी डाल सकते हैं यहाँ। तो बोन मील की जो फर्टिलाइज़र है वो शेड में रख के आप मिट्टी की गुड़ाई करें थोड़ी सी और उसमें मिक्स कर दें बोन मील, और बोन मील को अपने एडेनियम में दे सकते हैं ऐसी, लेकिन वो भी शेड में रखें। धूप के अंदर आप किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ना दें, ना तो ही स्प्रे करें। अगर आपके एडेनियम धूप के अंदर रखे हैं तो स्प्रे ना करें, स्प्रे अगर करना ही है तो रात के टाइम पे करें, लगभग 8 बजे 7 बजे 8 बजे जब अच्छी छांव हो और देखें कि गर्मी कम है तब आप उस पर स्प्रे कर दें। तो कम से कम आधा घंटा जो है हमारा प्लांट सूखना नहीं चाहिए स्प्रे करने के बाद में। स्प्रे करके अगर फौरन सूख जाएगा तो फिर कोई असर नहीं करेगा हमारा फर्टिलाइज़र। अगर स्प्रे हमने करा है तो कम से कम आधा घंटा प्लांट गीला रहना चाहिए, उसके लीव्स गीले रहे और उसका स्टम गीला रहे, तब तो वो फर्टिलाइज़र पौधे के काम में आ जाएगा और पौधे में ग्रोथ अच्छी हो जाएगी।
और अगर फौरन आपने स्प्रे किया और सूख गया तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा प्लांट को नहीं होगा। ये देखिए आप, क्योंकि जो आधे घंटे के अंदर ही हमारे जो लीव्स हैं या स्टम्प है वो फर्टिलाइज़र को अब्सॉर्ब करेगा, और इससे पहले तो वो नहीं करते हैं, तो फौरन डाल के फौरन सूख जाएगा तो प्लांट उसको नहीं ले पाएगा इतनी जल्दी। तो साथियों, इस तरीके से हम अपने एडेनियम को की केयर कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।